और चूंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था आप कोरोना काल में देख सकते थे, उसके पहले भी और आज भी बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं का जो दौर है उसको भुनाया नहीं जा सकता है। तो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह से बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन धरातल पर उतरने से पहले अफसरशाही की भेंट चढ़ जाती है। ऐसी एक व्यवस्था फिर शर्मसार हो गई है। पूरे प्रदेश के सभी मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा मुफ्त करने के 15 दिनों के भीतर ही एक वृद्धा के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुआ, तो ये काफ़ी दुखद बात है। और जिस तरह सरकार दम्भ भरती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठीक कर दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें अलग ही रूपरेखा को दर्शाती है। तमाम विधि व्यवस्थाओं के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को शव को ई रिक्शा से अस्पताल से 3 किलोमीटर दूर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर ले गए। अधिकारियों की इस लापरवाही पर पहले तो सभी ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब मामला तुल पकड़ा तो उपाधीक्षक को जांच के आदेश के दिए गए। दरअसल ये घटना सोमवार की है, जब काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक वृद्ध महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे किसी तरह लेकर सदर अस्पताल चले गए। इस बीच महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। समस्या इसके बाद शुरू हो गई और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिजन ने अधिकारियों और चिकित्सकों से एम्बुलेंस या शव को ले जाने के लिए वाहन की गुहार लगाते रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। एक तरफ सरकार जिस तरह से दम भरती है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए सुदृढ़ कर दी गई है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को उसका आईना दिखाते हुए नजर आ रही है कि किस तरह से ये घटना हुआ। आपको बता दें कि मृत वृद्धा के बेटे ने एक ई रिक्शा को बुलाया और किसी तरह उस पर शव रख करके अपने घर चले गए। आरोप यह है कि घटना के वक्त सिविल सर्जन अपने कार्यालय में भी मौजूद थे और शव के जाने के कुछ देर बाद अपने कार्यालय से निकले। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र आलोक ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी शाम में हुई मिली थी। तो अधिकारी किस तरह से अपनी दायित्वों से मुंह मोड़ लेते हैं और कैसे सरकार भी उस पर पानी डालने के फिराक में रहती है, तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से शर्मसार हुई है, जहाँ एक वृद्ध व्यक्ति की शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ और हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आप ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो करें और Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।